हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें तीन चीज़ें हैं, लाइक आपके वर्ड्स, देन सेकंड इज योर टोन एंड ट्यूनिंग, एंड द थर्ड इज योर बॉडी लैंग्वेज। तो इन तीनों को मिला के आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तैयार होता है, जिसमें वर्ड्स को सिर्फ 10% वेटेज दी जाती है, जो चूँकि ज़्यादा मैटर नहीं करते आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। द सेकंड इज योर टोन एंड ट्यूनिंग, जिस टोन में आप बात कर रहे हैं, जिस फ्लुएंसी से आप बात कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करती है, और उसको 30% वेटेज दी जाती है। और रेस्ट ऑफ द 60% वेटेज इज गिवन टू द बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, देन आपकी बॉडी मूवमेंट कैसी है, ये सब चीज़ें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो इनको आगे समझते हैं हम। तो नॉर्मली क्या होता है, आज के टाइम में इंग्लिश और कम्युनिकेशन को काफ़ी इंटरलिंक किया गया है, कि अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है तो आपका बेटर कम्युनिकेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल। तो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो भी लैंग्वेज अच्छी है, आप जिसमें फ्लुएंट है, आप वो यूज़ कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाइए। तो आगे इसमें हमारे पास क्या है, एक कम्युनिकेशन हमारा एक बहुत ही मेजर टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। जब भी हम किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं अपने, तो जब भी हम किसी सुपरवाइजरी रोल में जाते हैं या मैनेजरियल रोल में जाते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा रोल है कि एक्चुअल काम तो हम उतना नहीं करते उस टाइम पे, हम बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं कभी अपने टीममेट से, कभी अपने क्लीग से, कभी अपने क्लाइंट से। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हमारा मेजर टाइम लेता है, इसलिए हमें अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए। तो अब ये कम्युनिकेशन हमारा टाइम तो बहुत ले रहा है, लेकिन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास चार सुपर नेचुरल पावर्स हैं हमारी सब। द वन इज रीड, राइट, वॉच एंड लिसन। तो इन चारों को यूज़ करके हम अपना कम्युनिकेशन एकदम इफेक्टिव बना सकते हैं। वो कैसे, रीडिंग से मतलब है जो भी लोगों को पढ़ने का शौक है या जिनको नहीं भी है, उनको भी अपनी डेली की हैबिट बनानी चाहिए कि वो कोई ना कोई नॉवल या कोई ना कोई लिटरेचर, कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़ें। चाहे इनिशियली 2 पेज 5 पेज से स्टार्टिंग करें, लेकिन ये अपने रूटीन में एक प्रैक्टिस जरूर बना लें रीडिंग की। द सेकेंड इज़ राइटिंग। तो कई लोगों को शौक होता है लिखने का, कोई ब्लॉग्स लिखते हैं, कई आर्टिकल्स लिखते हैं, या कोई शायरीज लिखते हैं, तो वो लिखना भी आपके कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं डेवलप करता है। द थर्ड इज़ लिसनिंग। आज के टाइम में हमारे पास बहुत से मीडियम्स हैं जहाँ पे हम पब्लिक फिगर्स को, पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं, या कुछ सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे हैं हमारे पास जो जिनकी स्पीच काफ़ी अच्छी होती है, तो उनको हमें रेगुलर बेसिस पे सुनना चाहिए, उनके स्पीकिंग स्टाइल्स को हमें नोट करना चाहिए, ताकि वहाँ से हम सीख सकें उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरीके से बोल रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी लर्निंग के चांसेस हैं। एंड द लास्ट इज लिस्टिंग। तो लिस्टिंग में क्या है, हमें ध्यान से किसी की बात सुननी पड़ेगी, तभी हम उसको रिवर्ट कर पाएंगे। तो लिस्टिंग से मेरा मतलब है, आप एग्जांपल ले सकते हैं पॉडकास्ट के। आजकल पॉडकास्ट काफ़ी ट्रेंडी हैं, तो पॉडकास्ट में आप कुछ भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी फील्ड में आप चूज़ करके वो सुन सकते हैं। तो बेसिकली ये चार हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनसे हम अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव से भी इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अब फर्दर हम थोड़ा रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, तो उसमें आज के टाइम में प्रोफेशनली हम बात करें तो ईमेल्स बहुत डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। तो ईमेल्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहले बेसिक पॉइंट जो ईमेल में हम यूज़ करते हैं, ग्रामर पे हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। जब भी हम कोई ईमेल लिख रहे हैं तो उसकी ग्रामर बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। द सेकेंड इज़ पंक्चुएशन। जो हम पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, कोमास यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइंस यूज़ करते हैं, स्पेसेस यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी अप टू मार्क होनी चाहिए आपके ईमेल में। द थर्ड इज़ स्पेल चेक्स। कई बार हम मेल जल्दी जल्दी में लिख देते हैं और उसको सेंड कर देते हैं विदाउट एनी प्रूफ रीडिंग, तो उस केस में भी सजेस्टेड है पहले आप मेल ड्राफ्ट करें, देन उसको प्रूफ रीडिंग करें, और अगर कोई स्पेल चेक है तो उसको जरूर करेक्ट करके देन मेल को सेंड करें। नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट हाईलाइट। अगर कोई स्पेसिफिक आपके मेल में पॉइंट है जिसको जिसका अटेंशन आप चाहते हैं रीडर का उसमें, तो उसको आप हाईलाइट जरूर करें। द नेक्स्ट इज़ आपका जो कंटेंट है मेल का, वो ब्रीफ और क्रिस्प होना चाहिए। कोई लेंथी मेल्स लिखने का ट्रेंड भी नहीं है और ना ही कोई पढ़ता है, इसलिए आपको अपना मैसेज मिनिमम वर्ड्स में कन्वे करना होगा। सो दिस वॉज द सेशन ऑन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। सो इसमें और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए थैंक यू। दिस इज सर्वम गुप्ता साइनिंग ऑफ।